Hello students and welcome to PrepIS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for today's lecture is going to be the Mughal Empire. Now in this particular lecture, students, we will be covering the time period between 1525 to 1555. इस बीच में हमारे पास में बाबर हैं, हुमायूं हैं और कुछ समय के लिए मुगल एम्पायर में ब्रेक आता है, जिस टाइम पे हम देखते हैं कि भाई सूर एम्पायर शुरू होता है और सूर एम्पायर को शुरू किया था शेरशाह ने। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी ने अपनी रेन में क्या किया, इस सब का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि 1400 से 1525 के बीच में, 1400 से 1525 के बीच में क्या होता है भाई, 1398 के अंदर हमारा तैमूर इन्वेशन हुआ। 1398 में तैमूर इन्वेशन हुआ और इस वजह से स्टूडेंट्स 1400 से 1525 तक हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंशियल किंगडम्स जो हैं वो पावर में आ गए। तो इस टाइम हुआ राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1525 आते आते क्या होगा, दिल्ली में जो लोदी डायनेस्टी बैठी है उसके रूलर हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में हमने पढ़ा था प्रोविंशियल किंगडम्स में कि भाई जब वो पावर में आते हैं तो उनकी रेन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे रिबेलियन हो रहे हैं, उनके खुद के जो भाई हैं वो रिबेल करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो पंजाब के गवर्नर हैं दौलत खान लोदी, वो उनके अगेंस्ट रिबेल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेवाड़ के अंदर एक बड़ा राजपूत किंगडम बैठा है, राणा सांगा बैठे हैं उसके अंदर, जो चाहते हैं कि भाई इब्राहिम लोदी जो है इनकी पावर कम हो जाए एंड इंस्टेड मैं ज्यादा पावर में आ जाऊं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दौलत खान लोदी जो है वो अफगानिस्तान में एक रूलर बैठे हैं जिनका नाम है बाबर। बाबर को वो इनवाइट करते हैं कि भाई आप इंडिया आइए और इंडिया पे आके अटैक करिए जिससे कि इब्राहिम लोदी खत्म हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि बाबर उनके कहने पर आ जाते हैं और इब्राहिम लोदी पे अटैक करते हैं एंड एज अ रिजल्ट मुगल एम्पायर शुरू होता है। तो ये हमने एक रफ छोटा सा बैकग्राउंड बनाया कि भाई मुगल एम्पायर की शुरुआत कैसे हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कौन से कंटेस्टेंट्स बैठे हैं। एक तो हमारे पास मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स बैठे हैं जिसमें है राणा सांगा, जिनके पास में एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक का मतलब होता है मेमोयर, ठीक है, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा, उसके अंदर बाबरी क्लेम करते हैं कि भाई मेरी और राणा सांगा जो है इनकी कॉन्वर्सेशन हुआ करती थी और राणा सांगा ने भी मुझे इन्वाइट किया था कि आप इंडिया आए और दिल्ली के ऊपर अटैक करें। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राणा सांगा इस टाइम पे क्या कर रहे हैं भाई, ये मेवाड़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं और इसके तहत हम देखते हैं कि इन्होंने राजपुताना का ऑलमोस्ट पूरा जो एरिया है उसको कंप्लीटली अपने अंडर ले लिया था और रणथंबोर और चंदेरी के जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं वो इनकी सुजरेनिटी के अंदर आते थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि अगर बाबर ने इंटरवीन नहीं किया होता तो राजपूत जो है वो बहुत इलस्ट्रियस लीडर्स की तरह इमर्ज करते और राणा सांगा जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम जानते हैं कि भाई किसने अटैक किया, बाबर ने अटैक कर दिया एंड एज अ रिजल्ट इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर शुरू होता है। तो एक फॉर्मिडेबल पावर कौन बैठे हैं हमारे पास, मेवाड़ में सिसोदिया रूलर राणा सांगा के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बाबर का क्या बैकग्राउंड है, कौन है बाबर, बाबर क्या कर रहा था इंडिया आने से पहले और इंडिया आने का उनका कारण क्या रहा। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 15th सेंचुरी के अंदर तैमूरिड्स जो हैं उनकी पावर फिर से डिक्लाइन होने लगी। इसी के तहत हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर तैमूरिड्स की जगह तीन मेजर पावर्स आई, जिसमें एक तो है हमारे पास उज़्बेक्स जो कि ट्रांस ऑक्सियाना के रीजन में बैठे थे और इनके जो लीडर थे उनका नाम है शैबनी खान। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में है साफाविद, इसको करेक्ट करेंगे, दिस इज साफाविद्स। तो हमारे पास दूसरी पावर जो सेंट्रल एशिया में बैठी है उनका नाम है साफाविद्स और ये पावर में आते हैं अंडर अ रूलर नोन एज शाह इस्माइली। शाह इस्माइली के अलावा हमारे पास तीसरी जो पावर है वो है हमारे ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स की बात हमने विजयनगर भामिनी में भी करी थी, पोर्चुगीज जो है उनको भी इन्होंने हराया था, यूरोप तक एक्सटेंड कर लिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था और उसके अलावा हम देखते हैं सेंट्रल एशिया में भी इनकी एक प्रोमिनेंट प्रेजेंस थी। तो तैमूरिड्स हो रहे हैं डिक्लाइन
और उसकी जगह पावर में कौन आ रहे हैं, साफविद्स, उज़्बेक्स और ऑटोमन्स। इस बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी के रूलर हैं बाबर। बाबर जो हैं वो जब इनहेरिट करते हैं अपने फादर से एक बहुत छोटी सी प्रिंसिपैलिटी जिसका नाम है फरगाना, जो कि ट्रांस ऑक्सियाना के रीजन में थी। तो नेचुरली बाबर क्या चाहेंगे कि भाई उज़्बेक्स की पावर कम हो जाए और मुझे ट्रांस ऑक्सियाना के अंदर ज्यादा लैंड मिल जाए। जब वो फरगाना पे असेंड करते हैं स्टूडेंट्स, वो मात्र 12 साल के होते हैं और ये बात है 1494 की। लेकिन यहां तक हम देख रहे हैं बाबर जो खुद अपनी एंसेस्ट्री तैमूरिद से ट्रेस करते हैं, उनकी पावर तो हो रही है कम और उसकी जगह पावर में कौन आ रहे हैं, उज़्बेक्स, साफाविद्स और ऑटोमन्स। बाबर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मटर्नल साइड से ये मंगोल डिसेंडेंट है, ठीक है। इनकी मदर जो है वो मंगोलियन थी, और पटर्नल साइड से ये तैमूरिद है, पटर्नल साइड से ये तैमूरिद है। तो हम देखते हैं कि बाबर जो है वो दोनों मंगोल और तैमूरिद से अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। कहाँ बैठे हैं ये अभी, फरगाना में, जो कि ट्रांसऑक्सियाना में है, और ट्रांसऑक्सियाना में पावर में कौन है, उज़्बेक्स। तो नेचुरली इनकी लड़ाई सबसे पहले किससे होने वाली है, उज़्बेक्स से होने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बाबर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पटर्नल तो ये तैमूरिद साइड से है और मटर्नल साइड से मंगोल से, चेंगिस खान से अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर इन्होंने पहले कोशिश करी कि भाई मैं अपना एम्पायर बढ़ाऊं। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक जगह है जिसे हम कहते हैं समरकंद, उसको 2 बार कैप्चर करने में ये सक्सीड भी कर गए थे, एक बार 1497 में और एक बार 1500 में। लेकिन हम देखते हैं कि समरकंद का कंट्रोल ये ज्यादा टाइम रख नहीं पाए और दोनों ही बार समरकंद इनके हाथों से चला गया। इसका मेन कारण था स्टूडेंट्स दी राइजिंग पावर ऑफ उज़्बेक्स। द राइजिंग पावर ऑफ उज़्बेक्स वॉज समथिंग दैट केप्ट अ चेक ऑन बाबर, और बाबर को इन्होंने सेंट्रल एशिया, स्पेसिफिकली ट्रांसऑक्सियाना के अंदर एक्सपैंड ही नहीं करने दिया। इस वजह से हम देखते हैं कि बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो अफगानिस्तान की तरफ चल पड़े और उन्होंने यहाँ पे काबुल जो है उसको अक्वायर कर लिया। काबुल जो है स्टूडेंट्स, इसको इन्होंने 1504 के अंदर अक्वायर कर लिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि भाई सेंट्रल एशिया जो है उसका ड्रीम तो बाबर का खत्म हो गया है, इसकी जगह ये आ गए हैं कहाँ पे, काबुल अफगानिस्तान में आ गए हैं 1504 में। और इसके बाद ये नेक्स्ट इनकर्शंस करना शुरू करेंगे इंडिया के ऊपर। यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम काबुल की बात करें, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां पे रिसोर्सेस कंपेरेटिवली कम हैं और जो ओवरऑल इनकम थी बाबर के लिए वो बहुत ही ज्यादा मीगर थी। इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो इंडिया के रिच रिसोर्सेस हैं उनने बाबर को अट्रैक्ट किया और इस वजह से वो इंडिया की तरफ ज्यादा आतुर हुए कि मुझे यहाँ पे जाके अटैक करना चाहिए और इस एरिया को अपने एम्पायर का पार्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी वो भी बाबर के लिए काफी सूटेबल थी, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई भी बड़ी सेंट्रल पावर नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी की रेन में वैसे भी बहुत ज्यादा रिबेलियंस चल रहे हैं, जो लोग हैं वो खुद ही बाबर को बोल रहे हैं कि आप आके अटैक कर दीजिए। तो ये केओस का फायदा उठाएंगे बाबर और इसमें वो सक्सेसफुल रहेंगे और अपने लिए इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहां स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दौलत खान लोधी का तो डायरेक्ट इनविटेशन है, राणा सांगा का इनविटेशन था या नहीं था ये कंटेस्टेड बात है, बट इरिस्पेक्टिव हमें पता है कि बाबर इंडिया आएंगे और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में वो राणा सांगा को भी हराते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बाबर की सक्सेस का जो कारण रहा इंडिया के अंदर, पानीपत से पहले हम देखते हैं कि वो इंडिया में ऑलरेडी आ चुके थे, उन्होंने इंडिया में ऑलरेडी बैटल ग्राउंड टेस्ट कर रखा था। ये टेस्टेड वाटर्स, ये टेस्टेड द बैटल टेक्निक्स ऑफ इंडियंस ऑलरेडी। सो बिफोर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 यू विल सी दैट ही हैड ऑलरेडी इन्वेडेड इंडिया मोर देन वंस। हियर स्टूडेंट्स ही मेड 3 इनकर्शंस टू इंडिया बिटवीन 1519 टू 1524। तो 1519 से 1524 के बीच में 3 बार इंडिया पे आके इन्होंने अटैक किया था, रेडिंग पर्पसेस के लिए आते थे, लूटपाट मचाई वापस चले गए क्योंकि अफगानिस्तान में उनकी इनकम बहुत ज्यादा मीगर थी।
यहाँ पे पहला अटैक स्टूडेंट्स उन्होंने भीरा पे किया था। भीरा आपका पंजाब की तरफ पड़ता है, इसको हम गेटवे टू हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने सियालकोट और लाहौर, ये जो हैं, इन एरियाज को भी इन्वेड किया था पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन 3 पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि बाबर की सक्सेस का एक कारण ये रहा है दैट ही हैड ऑलरेडी टेस्टेड द बैटल ग्राउंड्स इन इंडिया, ही न्यू द बैटल टेक्निक्स ऑफ इंडियंस एंड दीज एक्सपीरियंसिस वॉज समथिंग दैट इट शेप्ड हिम ऑलरेडी एंड वेन ही फेस्ड इब्राहिम लोदी इन बैटल ऑफ पानीपत ही वाज सक्सेसफुल अगेंस्ट हिम। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1524 के बाद फाइनली वो 1526 में इंडिया दोबारा आते हैं और बैटल ऑफ पानीपत होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है विच इज इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और इसकी वजह से बाबर के हाथ में आ जाता है दिल्ली। तो दिल्ली इनके हाथ में आ गया और अब बाबर विल नॉट लुक बैक, इंस्टेड ही इज गोइंग टू मेक मोर एंड मोर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी मुगल सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। अब देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने आगे कैसे इंडिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो राजपूत्स हैं वो एक फॉर्मिडेबल पावर थे, खास करके मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया रूलर्स बैठे हैं जिनके किंग हैं राणा सांगा, वो जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर राणा सांगा ने बाय चांस अगर बाबर को इनवाइट किया था तो उनका जो कारण था इनको इनवाइट करने का वो ये था कि जब ये इब्राहिम लोदी को खत्म कर देगा तो मैं नॉर्थ इंडिया का लीडर बन जाऊंगा। लेकिन टू हिज शॉक बाबर डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया एंड ही वॉन्टेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। इसी वजह से अब इनका जो नेक्स्ट एनिमी बनेगा वो हो गए राणा सांगा। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं बाबर और राणा सांगा की जो फोर्सेस हैं वो कहां पे मिलती हैं, खानवा पे मिलती हैं और यहाँ पे एक फेमस बैटल ऑफ खानवा होता है 1527 के अंदर। ये खानवा जो है स्टूडेंट्स आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी के पास में पड़ता है। यहां पर हम देखते हैं कि राणा सांगा जब बाबर की फोर्सेस से लड़ने के लिए आते हैं उस टाइम पे इनकी मदद बहुत सारे राजपूत किंगडम्स कर रहे होते हैं, जैसे कि मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, महमूद लोदी, जो कि जिनको राणा सांगा ने दिल्ली का रूलर अक्नॉलेज कर लिया था। अफगन है स्टूडेंट्स ये, और इनको अक्नॉलेज कर लिया था एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने भी राणा सांगा की मदद करी है अगेंस्ट बाबर इन बैटल ऑफ खानवा। इरिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये सब के सब इन सबको मिलके बाबर हरा देते हैं और इसका रीजन माना जाता है बाबर की सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स। इसमें स्टूडेंट्स बाबर हैड ऑलरेडी टेस्टेड द बैटल टेक्निक्स ऑफ इंडियंस एज अ पार्ट ऑफ द 3 इनकर्शंस दैट ही हैड मेड बिफोर द बैटल ऑफ पानीपत। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स बाबर वॉज यूजिंग गन पाउडर एंड ही वॉज यूजिंग कैनन्स, तोप यूज कर रहे थे वो, जो कि इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं थी। तो अब आपके सामने तोप ही ला के रख दी तो आपको गिरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनकी मिलिट्री टेक्निक सुपीरियर हैं, इनकी कैवलरी स्ट्रोंगर थी कंपैरिजन में, और उसके अलावा ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आ रहे हैं जो इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं थी, और इस कारण हम देखते हैं कि इतनी सारी पावर्स को भी मिलके बाबर जो है हरा देते हैं। राणा सांगा के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो अफगन्स हैं वो फिर से अपने आप को कंसोलिडेट करने लगते हैं। चाहे से वो पानीपत पे डिफीट हो गए थे फिर भी वो एक फॉर्मिडेबल पार्ट थे, फोर्स थे, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको टैकल करने के लिए बाबर पहले तो अपने बेटे हुमायूं के अंदर फोर्सेस भेजते हैं कि भाई जो ईस्टर्न अफगन से जाके उनको टैकल करो। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं फाइनली वो क्या करते हैं, खुद ही इन अफगन्स को डिफीट कर देते हैं इन अ बैटल विच इज नोन एज द बैटल ऑफ घाघरा इन द ईयर 1529। तो हमने देखा कि अफगन्स को 2 बार डिफीट किया गया है, एक बार तो इब्राहिम लोदी के अंडर बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, जिसमें लोदीज जो हैं वो हार गए, और उसके बाद जो ईस्टर्न अफगन्स हैं जो कि यूपी, बिहार और बंगाल में बैठे हैं, वो लोग जो हैं वो दोबारा से बाबर के हाथों हारते हैं इन द बैटल ऑफ घाघरा इन द ईयर 1529। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब हमारा बैटल ऑफ खानवा हुआ था, बैटल ऑफ खानवा जो कि हमारा 1527 में हुआ है, राणा सांगा वर्सेस बाबर, उसमें जब बाबर जीत जाते हैं तो उसके बाद वो एक टाइटल लेते हैं गाजी का। इस तरह के पॉइंट्स अगेन स्टूडेंट्स फैक्चुअल होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, तो इनको आपको जरूर याद रखना है कि भाई बाबर ने गाजी का टाइटल जो है कौन से बैटल के बाद लिया था। तो आंसर होगा बैटल ऑफ खानवा।
स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ खानवा के बाद हम देखते हैं ये एक और फॉर्मिडेबल राजपूत रूलर है जिसने राणा सांगा की भी खानवा के बैटल में मदद करी थी। नेक्स्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो 1526 में हमने लोदीज को हराया, किसमें? पानीपत के बैटल में। 1527 में हमने हराया किसको? राणा सांगा राजपूत को, कहां पे? खानवा में। और 1528 में हम फिर से एक राजपूत रूलर से लड़ने वाले हैं। इस राजपूत रूलर का नाम है स्टूडेंट्स मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है मालवा के रूलर थे और इन्होंने बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा की मदद करी थी। ये जो है स्टूडेंट्स, इनके ऊपर नेक्स्ट अटैक करते हैं बाबर। और यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजपूत अपनी पूरी जान लगा देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेरी और यहाँ पे मेदिनी राय की डिफीट हो जाती है। तो हमने देखा नेक्स्ट बैटल कहाँ हुआ है, 1528 में। कहाँ पे हुआ है? चंदेरी में हुआ है। और फिर से राजपूत जो मेदिनी राय के अंडर लड़ रहे थे वो भी हार गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे मेदिनी राय के साथ फिर से राणा सांगा लड़े थे लेकिन ये लोग फिर से हार गए। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने देखा जो चौथा मेजर बैटल हुआ है 1529 में हुआ है, किसके अगेंस्ट हुआ है? ईस्टर्न अफगन्स को हमने कंट्रोल किया है और बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ घाघरा। तो ये चार ऐसे बैटल्स रहे हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मुगल रूल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था इंडिया में। तो ये चार ऐसे बैटल हैं जो कि हमारे लिए डिसाइसिव बनेंगे इन एस्टेब्लिशिंग मुगल रूल इन इंडिया। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं बाबर जो है उनकी 1530 के अंदर डेथ हो जाती है। बाबर वॉज अ सीवियर एल्कोहलिक, ओवर ड्रिंकिंग की वजह से स्टूडेंट्स इनकी डेथ हो गई। आगरा में इनकी डेथ हो गई थी लेकिन ये चाहते थे कि भाई इनका एक्चुअली के अंदर जो टूम्ब है वो अफगानिस्तान में बनना चाहिए। तो पहले तो इनकी बॉडी को हमने आरामबाग आगरा के अंदर ही दफना दिया था लेकिन बाद में इनकी जो बॉडी है उसको काबुल ले जाके बरी कर दिया गया। और ये काम किसने किया है? ये काम किया था शेर शाह सूरी ने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बाबर की पूरी स्टोरी देख ली। हमने देखा बाबर कहाँ पे? फरगाना में पावर में थे जो कि ट्रांसॉक्सियाना में था। फिर उन्होंने क्या अटैक करने की कोशिश करी? समरकंद, लेकिन उज़्बेक से हार गए। उज़्बेक्स की बढ़ती हुई पावर की वजह से उनको अफगानिस्तान की तरफ आना पड़ा जहां पे उन्होंने काबुल को अपने लिए अपने पास रख लिया, अपने लिए कैप्चर कर लिया। वहां से उन्होंने 1519 से लेके 1524 तक इंडिया में तीन अटैक किए और पंजाब और सिंध के एरिया की टेरिटरीज को कैप्चर किया, इन्वेड किया। फिर हम देखते हैं फाइनली 1526 में होता है बैटल ऑफ पानीपत और उसके बाद ये तीन बैटल होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई मुगल रूल जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया। 1530 में स्टूडेंट्स इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं पावर में आते हैं हुमायूं। पावर में नेक्स्ट आ रहे हैं हुमायूं। स्टूडेंट्स हुमायूं का मतलब होता है समवन हु इज ब्लेस्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुमायूं जो है वो ब्लेस्ड के एकदम ऑपोजिट थे। पूरी जो इनकी रेन थी उसमें इधर उधर भागते फिरे और फाइनली जब इनको अपना एम्पायर दोबारा वापस मिलता है तो उसके एक ही साल के अंदर इनकी दो सीढ़ियों से गिर के, लिटरली अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के डेथ हो जाती है। तो हुमायूं का नाम तो ब्लेस्ड था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं थे। हुमायूं के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने 1530 से 1540 तक रूल किया। 1540 के स्टूडेंट्स अंदर हम देखते हैं 1540 में इनको इनकी गद्दी से उखाड़ फेंकते हैं शेरशाह सूरी और अपने लिए नई डायनेस्टी शुरू कर देते हैं, सूर एम्पायर। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1555 आते आते जो है सूर एम्पायर डिक्लाइन करने लगता है और इस वजह से हुमायूं जो है अपना थ्रोन दोबारा रिकैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसके साथ हुमायूं की सेकेंड इनिंग्स शुरू होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी 56 में ही डेथ हो जाती है और यहां पर हम देखते हैं विद इन 1 ईयर हुमायूं चैप्टर इज ओवर एंड द नेक्स्ट रूलर विल बी अकबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमें डिस्कशन करना है पहले 1530 से 1540 में हुमायूं ने क्या किया, फिर हम देखेंगे 1540 से 1555 में शेरशाह सूरी और उनके सक्सेसर्स ने क्या किया, फिर हम देखेंगे कि कैसे हुमायूं ने अपना थ्रोन दोबारा कैप्चर किया और फिर उनकी डेथ हो गई। तो
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब हुमायूं पावर में आते हैं तो इनको मुगल नोबिलिटी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इनके साथ में बहुत सारे रिबेलियंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। अगर हम चगताई नोबल्स की बात करें, जो चगताई तुर्कीज हैं, जो कि जिनसे हमारी एंसेस्ट्री ट्रेस हो रही है बाबर की, ये जो नोबल्स थे ये हुमायूं को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स देखते हैं जो इंडियन नोबल्स हैं उनका इनका आपस में झगड़ा रहता था, इन दोनों के झगड़े में फंस कौन रहा है, बाबर फंस रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हुमायूं का जो एक्सेशन था वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फंसा हुआ था। यहाँ पे उनको अफगान्स की हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ी, स्पेशली शेर खान की। शेर खान ही स्टूडेंट्स शेरशाह हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इनके लिए अफगान्स बनाने वाले हैं। अफगान्स ही वो लोग होंगे जो इनको इनकी गद्दी से डीथ्रोन भी कर देंगे। ये जो शेर खान है स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया के अंदर हमने देखा, ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर जो अफगन्स हैं वो पावर में बैठे थे, बाबर ने भी उनको डिफीट किया था, लेकिन हुमायूं के रेन आते आते ये लोग फिर से पावर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहला चैलेंज इनके पास नोबिलिटी से आ रहा है, इंटरनल रिबेलियंस चल रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि अफगन्स जो ईस्ट इंडिया में बैठे हैं मेनली शेर खान के अंडर, वो जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। उसके अलावा गुजरात के जो रूलर हैं बहादुर शाह, वो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं तीन जनों की बात तो हम कर चुके हैं, अफगन्स, गुजरात के रूलर और जो नोबिलिटी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि तैमूरिड ट्रेडिशन के तहत के कोई भी एक भाई कंप्लीटली पावर में नहीं आता था, बल्कि उनके फादर का जो एम्पायर है वो बाकी भाइयों में भी शेयर होता था। तो हम देखते हैं हुमायूं के अलावा जो बची हुई टेरिटरीज हैं उनके अंदर इनके भाइयों को भी शेयर मिला हुआ है, तो वो भी टाइम एंड अगेन हुमायूं के अगेंस्ट रिबेल कर देते थे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा पावर मिल जाए। तो ये चार मेजर इनके एनिमीज मैंने बताए, अपनी खुद की नोबिलिटी, अफगन्स, गुजरात के रूलर बहादुर शाह, और इसके अलावा इनके अपने खुद के भाई जो इनको डीथ्रोन करके पावर में आना चाहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर जो नया नया एस्टेब्लिश हुआ था, इसकी दो सेंटर्स ऑफ पावर बनाए गए, एक था दिल्ली और एक था आगरा। सॉरी स्टूडेंट्स, सो हम देख रहे हैं दो सेंटर ऑफ पावर्स हैं, एक हुमायूं के हाथ में है और एक इनके भाई कामरान के हाथ में है। तो एक सेंटर ऑफ पावर तो दिल्ली, आगरा और सेंट्रल इंडिया हो गया, जो कि हुमायूं के हाथ में है, और सेकेंड पार्ट जो है वो है अफगानिस्तान और पंजाब का, जो इनके भाई कामरान के हाथ में है। तो ये दो मेजर ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर हो गए। इसके अलावा इनका एक तीसरा भाई और है हिंडाल, और उसके हाथ में भी हम देखते हैं थोड़ी बहुत टेरिटरी दी हुई है। तो यहाँ पे हिंडाल और कामरान की बार बार क्या कोशिश रहेगी कि भाई हुमायूं के पास सबसे क्रीम एरिया है, वो हम इससे कैसे कैप्चर कर ले। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हुमायूं के साथ चल रही हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे रिबेलियंस हो रहे हैं ऑल टुगेदर, और यहाँ पे इनको इनको कंट्रोल करना जरूरी है। इसमें से एक स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कौन है, अफगन्स, जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो इनको फाइनली डीथ्रोन कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ईस्टर्न अफगन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न अफगन्स के एक रूलर जो है वो काफी पावर में आ जाते हैं, जिनका नाम है शेरशाह। शेरशाह की अगर हम बात करें तो हुमायूं शुरू से ही इनको लेके बहुत सस्पिशियस थे, लेकिन वो इनकी पावर को और इनकी कैपेबिलिटीज को चेक करने में फेल हो गए, इनका एस्टिमेट ठीक से नहीं लगा पाए, और आगे जाके हम देखते हैं कि शेरशाह इनको डीथ्रोन कर देंगे। शेरशाह स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेरशाह पहले अपनी पावर ईस्ट इंडिया में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी के तहत वो गौड़, जो कि बंगाल की कैपिटल है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही हुमायूं को पता चलता है कि भाई शेरशाह जो है इन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया है, उस टाइम पे शेरशाह इन पे एक दाव फेंकते हैं। शेरशाह इनको एक फरमान भेजते हैं और उसमें ये कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, मैं आपको बिहार दे दूंगा। बिहार शेरशाह ने इनहेरिट किया था अपने फादर से। बिहार में स्पेसिफिकली एक जागीर थी सासाराम करके, एक जागीर थी हमारे पास में सासाराम करके, इसको इनहेरिट किया था अपने फादर से शेरशाह ने। तो इन्होंने एक दाव फेंका हुमायूं पे और वहां पे इन्होंने कहा कि मैं आपको बिहार दे दूंगा, आप मेरे को बंगाल रख लेने दो। लेकिन हुमायूं ने ये बात नहीं मानी, अपना सामान पैक किया और चल दिए बंगाल की तरफ। लेकिन ये शेरशाह की एक चाल थी, क्योंकि वो बंगाल में थे ही नहीं। इंस्टेड उन्होंने हुमायूं को बंगाल की तरफ भेज दिया और रास्ता जो है बीच का उसको कैप्चर कर लिया, और इसमें हम देखते हैं उन्होंने आगरा से हुमायूं के टाइज जो है उनको कट कर दिया।
तो उन्होंने हुमायूं को बंगाल के अंदर फंसा दिया और आगरा जाने वाली जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको कट कर दिया। इसी बीच में हुमायूं को पता चलता है कि उनके एक भाई हैं हिंडाल करके, जिन्होंने हुमायूं के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। अब ये दोनों बातें जब इनके पास में आई तो हुमायूं ने क्या किया, वो दोबारा से वापस को जाने लगे, वापस रिटर्न करने लगे। रिटर्न उन्हें करना था चुनार की तरफ। चुनार जो फोर्ट है स्टूडेंट्स, इसको पहले शेरशाह ने, इसको हम देखते हैं हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था। चुनार आपका यूपी में है, ठीक है, तो इसको यूपी में है ये, इसको हुमायूं ने पहले ही कैप्चर कर लिया था, 1538 से भी पहले ही कैप्चर कर लिया था। और चुनार जो है इसको कुछ समय बाद इन्होंने शेरशाह को दे दिया था और इन रिटर्न उनके एक बेटे को हॉस्टेज की तरह रख लिया था। लेकिन फिर शेरशाह ने बाद में क्या किया, बंगाल में एक्सपेंशन कर लिया और हुमायूं के साथ ये चाल खेली। तो यहां पे हुमायूं ने जैसे ही सुना कि भाई हिंडाल जो है इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिए, तो वो चुनार की तरफ चलने लगे कि भाई मैं चुनार से होते हुए वापस आगरा जाऊंगा। इसी तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं रस्ते में जब वो एक जगह पहुंचते हैं चौसा, वहां पे हम देखते हैं इनको घेर लेती है शेरशाह की आर्मी। तो 1539 में स्टूडेंट्स ये पहुंचते हैं चौसा और यहां पर हम देखते हैं कि इनको शेरशाह की आर्मी घेर लेती है, इन पे अटैक करती है और हुमायूं को डिफीट कर देती है। हुमायूं जो है बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, इंजर हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो यहां से भाग जाते हैं, पर उनकी ज्यादातर आर्मी जो है स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शेरशाह जो है आगरा को कैप्चर करके खुद को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो आगरा की तरफ बढ़ गए और खुद को उन्होंने राजा डिक्लेयर कर दिया। इसी बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक साल के अंदर हुमायूं फिर से तैयारी करते हैं और शेरशाह की फोर्सेस से 1520 में कन्नौज में, 1540 में कन्नौज में मिलते हैं और इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दोनों की आर्मीज क्लैश करती हैं, हुमायूं बहुत बुरी तरह से डिफीट होते हैं और इसके बाद हुमायूं जो है वो भाग जाते हैं। और वो कहाँ पे रेफ्यूज लेते हैं, ये भाग जाते हैं और ईरान के जो रूलर हैं, ईरान के रूलर हैं, ईरान में बैठी है साफाविद डायनेस्टी, बात कर चुके हैं हम इसकी ऑलरेडी, बाबर के अंडर ईरान में साफाविद डायनेस्टी बैठी है, रूलर का नाम है शाह तमस्प, रूलर का नाम है शाह तमस्प। तो शाह तमस्प जो हैं इनके अंडर स्टूडेंट्स ये रेफ्यूज ले लेते हैं क्योंकि शेरशाह इनको चौसा और कन्नौज दोनों के बैटल्स में हरा देते हैं और इसके तहत खुद का सूर एम्पायर स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हुमायूं को इंडिया से ही ऑल टुगेदर अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अब हम शेरशाह का डिस्कशन करेंगे। हुमायूं का डिस्कशन हो गया है, हुमायूं को ट्रिक किया शेरशाह ने, बंगाल में फंसा दिया, बीच में हिंडाल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, भागते हुए चुनार की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि भाई चुनार की तरफ आते आते चौसा में इनको जो है शेरशाह पकड़ लेते हैं और इनको हरा देते हैं। फिर एक और बैटल होता है 1540 में कन्नौज का और तब इनको फाइनली हरा देते हैं और शेरशाह को भागना पड़ता है इंडिया से और वो रेफ्यूज लेते हैं कहाँ, साफाविद डायनेस्टी के जो रूलर हैं शाह तमस्प उनके कोर्ट में। इसी तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1540 के अंदर शेरशाह जो हैं वो बन गए हैं बड़े रूलर और इन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह डिक्लेयर कर दिया, आगरा को कैप्चर कर लिया और इसके साथ शुरू होती है हमारी सूर एम्पायर। सूर एम्पायर के बारे में पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शेरशाह कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे इतना ज्यादा पावर में आ गए। स्टूडेंट्स शेरशाह जो हैं उनका ओरिजिनल नाम था फरीद। यहां पर हम देखते हैं कि इनको आगे जाके शेर खान का टाइटल मिल गया क्योंकि इन्होंने एक टाइगर को अपने बेयर हैंड से मार दिया था, इसके बाद में लोग इन्हें शेर खान बोलने लग गए। सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि शेर खान शेर शाह बन गए और इनको अपने फादर से एक जागीर मिलती है जौनपुर के अंदर, और जौनपुर के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनको जौनपुर के अलावा इनको एक और जागीर मिलती है सासाराम बिहार की। तो इनको क्या क्या मिला हुआ है, इनको यूपी में कुछ पार्ट मिला हुआ है और बिहार के अंदर कुछ पार्ट मिला हुआ है। सासाराम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सासाराम का जागीर जो है इनके फादर हसन खान सूर को मिला हुआ था जो इब्राहिम लोदी के अंडर काम कर रहे थे।
तो यहाँ पे सासाराम की जागीर इनके फादर के पास थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको जौनपुर जो है उसकी जागीर भी मिल जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब इनके फादर की डेथ हो गई उसके बाद में इनको ये सारा एरिया जो है खुद के लिए मिल गया, और ये इनके ऊपर कॉन्फर किया था इब्राहिम लोधी ने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि भाई बिहार वाला एरिया तो ऑलरेडी है हमारे पास में, जौनपुर जिसको लोधीज ने खत्म किया था उसमें से भी लोधीज के जाने के बाद में शेर खान जो है अपनी पावर अजर्ट करना शुरू करेंगे उस एरिया में, लेकिन एक बार के लिए इनको हुमायूं रोक देगा। फिर ये क्या करते हैं, इंस्टेड अपनी पावर जो है बंगाल की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ के सुल्तान जो है महमूद शाह उनको डिफीट कर देते हैं और बंगाल कैप्चर कर लेते हैं। बंगाल की स्टोरी हमने अभी देख ही ली कि इसके बाद में कैसे ट्रिक करने वाले हैं हुमायूं को कि भाई आप बंगाल आ जाओ, मुझे बंगाल दे दो, बिहार में आपको दे दूंगा, लेकिन ये खुद होते ही नहीं है बंगाल में, और जो रास्ता है उसको रोक लेते हैं हुमायूं के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर मिलिट्री वाइज बात करी जाए तो ही वॉज एन एक्सट्रीमली पावरफुल मिलिट्री कमांडर। ईस्टर्न प्रोविंसेस में इन्होंने अपना रूल अजर्ट कर लिया था, अपनी पावर अजर्ट कर ली थी, और इसके अलावा इन्होंने बिहार में भी अपनी पोजिशन कंसोलिडेट कर ली थी। तो हम देख रहे हैं हुमायूं के टाइम पे ही ऑलरेडी बिहार और बंगाल जो सबसे डिफिकल्ट है मेंटेन करने के लिए उन दोनों एरियाज में तो अपनी पावर असर्ट कर ही चुके हैं, और फिर यूपी में पकड़ के इनको हरा देते हैं किन को, हुमायूं को, और फिर उसके बाद आगरा का कंट्रोल ले लेते हैं और दिल्ली का भी कंट्रोल ले लेते हैं, और इससे शुरू होती है हमारी सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसको सेकेंड अफगन एम्पायर इन इंडिया भी कहा जाता है। फर्स्ट कौन सा था, सेकंड अपना हो गया सूर डायनेस्टी, और फर्स्ट अफगन एम्पायर कौन सा था, लोदीज। तो यहाँ पे इसको सेकंड अफगन एम्पायर भी कहा जाता है जो कि 1540 में शुरू होगा। 15 साल के लिए हम देखते हैं कि शेरशाह और उनके सक्सेसर जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुली रूल करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1545 से शेरशाह सूरी जो है वो फर्दर एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। 1545 तक जो है ये ऑलरेडी हम देखते हैं कि भाई सिंध और पंजाब वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसको सिक्योर कर लेते हैं, पूरा राजपुताना और उसके अलावा बंगाल जो है ईस्ट में वहां तक इनका एक्सपेंशन हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर हमने सिंध पंजाब इनको कंट्रोल कर लिया, राजपुताना का जो एरिया वेस्ट में है उसको कंट्रोल कर लिया, बिहार बंगाल यूपी ऑलरेडी इनके हाथ में है, तो पूरा जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट हम मानेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न सेंट्रल सब इनके हाथ में था। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एक कैंपेन करने जाते हैं बुंदेलखंड की तरफ। जब ये बुंदेलखंड में कलिंजर फोर्ट को बिसीज कर रहे होते हैं उस टाइम पे एक एक्सीडेंटल गन पावर का ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। तो मात्र 5 साल के लिए पावर में रहे, लेकिन इन 5 साल के अंदर अंदर इन्होंने इतना बड़ा कंट्रोल कर लिया। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके बेटे इस्लाम शाह जो है वो इनको सक्सीड करते हैं, जो कि 1553 तक बहुत ही स्टेबल रूल करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी डेथ के बाद अफगान एम्पायर काफी वीक होने लगता है, और इस वीकनेस का फायदा उठाएंगे कौन, हुमायूं। हुमायूं को जैसे ही पता चलता है कि भाई इस्लाम शाह की डेथ हो गई और बहुत ज्यादा इंटरनल कंफ्यूजन चल रहा है, इसके तहत वो क्या करते हैं, दोबारा इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और इंडिया की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हुमायूं सक्सेसफुल होते हैं अपने पुराने किंगडम को 1555 तक कैप्चर करने में, और इसके तहत वो सेकंड अफगान एम्पायर को खत्म करते हैं और खुद की सेकंड इनिंग्स शुरू करते हैं। 1555 में हुमायूं जो है आगरा और दिल्ली फिर से रिकैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इसी के साथ हम देखते हैं मुगल एम्पायर का सेकेंड पार्ट शुरू होता है जिसमें हुमायूं खुद को इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अपनी पावर कंसोलिडेट करने से पहले ही मात्र 1 साल के अंदर जो है हुमायूं की डेथ हो जाती है फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ शेर मंडल इन दिल्ली इन 1556। तो इनकी लाइब्रेरी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, शेर मंडल नाम है। तो हुमायूं द ब्लेस्ड वन वॉज नेवर रियली ब्लेस्ड इन एक्चुअल लाइफ, वेर इन वी सी हाफ ऑफ हिज लाइफ केप्ट ही केप्ट वॉन्डरिंग, 15 ईयर्स ही केप्ट वॉन्डरिंग, एंड फाइनली वेन ही गॉट हिज एम्पायर बैक अनफॉर्चुनेटली ही डाइड विद इन 1 ईयर। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी विल सी दैट द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर इज गोइंग टू नाउ कम टू पावर, हु विल बी अकबर।
अकबर का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए हम शेरशाह सूरी के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, शेरशाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और आगे जो मुगल रूलर्स आएंगे वो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी करेंगे। तो हम देखते हैं शेरशाह जो हैं ये खुद इंस्पायर्ड थे अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन से। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ जो मेजर्स लिए थे उनको कॉपी करके शेरशाह सूरी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया, जैसे कि दाग और चेहरा। स्टूडेंट्स, दाग क्या होता है? दाग इज दी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। लिटरली हम क्या कर रहे हैं, जो हॉर्स हैं उनको टैग कर रहे हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से कि भाई ये बेस्ट क्वालिटी का है, ये मिडिल क्वालिटी का है, ये खराब क्वालिटी का है, जिससे कि आर्मी के अंदर खराब क्वालिटी के हॉर्सेस ना आए। और चेहरे में क्या होता है स्टूडेंट्स? चेहरा में हम पर्सनल, फिजिकल, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स ये हम करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं हम? जिससे कि हम डिजर्शन को टैकल कर सकें, और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई एनिमीज आ रहे हैं, गलती से कोई स्पाई या एनिमी आर्मी ना एंटर कर जाए, इस वजह से दाग और चेहरा को इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी में, जिसको कॉपी कर रहे हैं शेरशाह सूरी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि खिलजीज में अलाउद्दीन खिलजी ने जितना हार्श इंप्लीमेंटेशन कर रखा था उतने हार्श नहीं होते हैं शेरशाह सूरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी भी एक ऑटोक्रेट की तरह रूल करते हैं और नोबिलिटी के किसी भी मेंबर को ज्यादा पावर में नहीं आने देते। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोविंस है स्टूडेंट्स, प्रोविंस को बोला जाता है सरकार यहाँ पे। इसको हम आगे अभी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब और ठीक से पढ़ लेंगे, अभी के लिए आप इतना समझें कि प्रोविंस जो होती है उसको सरकार बोला जाता है, और सरकार के जो गवर्नर होते थे उनको अनलिमिटेड पावर्स नहीं देते थे शेरशाह सूरी। हमने देखा है कि प्रोविंशियल गवर्नर्स जो कि विजयनगर में थे, जो कि भामिनी किंगडम में थे, जिन्हें तरफदार बोलते थे, उनकी इतनी पावर बढ़ गई कि दोनों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। लेकिन यहाँ पे शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स को बिल्कुल अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे रखी थी, बहुत कंट्रोल में रखते थे इनको, रेगुलरली डायरेक्ट करते रहते थे फरमान भेज भेज के, और जो भी नए रूल्स होते थे वो शेरशाह सूरी के द्वारा इंप्लीमेंट करवाए जाते थे, और चेक रखा जाता था कि भाई प्रोविंशियल गवर्नर्स बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बहुत ही इलेबोरेट स्पाई सिस्टम भी बनाया, जिससे कि राजा को डे टू डे ऑफिसर्स के कंडक्ट के बारे में पता हो और इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से वो सचेत रहे। ये हमने देखा स्टूडेंट्स, तो एक तो दाग एंड चेहरा का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर को कर्ब करके रखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर शेरशाह सूरी की बात नहीं मानता था तो उसको सीवियरली पनिश किया जाता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि पद्मावत, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ इन्वेजन की कहानी है, इसको मलिक मोहम्मद जैसी ने इन्हीं की रेन के अंदर कंप्लीट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इन्होंने अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स के अलावा नोबिलिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्गली कंट्रोल कर रखा था। इन्होंने प्योर अफगान नोबिलिटी, जैसे कि बहलोल लोधी ने बनाने की कोशिश करी थी कि भाई मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है थ्रोन पे बैठने की, ऐसा कुछ भी नहीं किया शेरशाह सूरी ने। इंस्टेड इन्होंने अपनी नोबिलिटी को कंट्रोल में रखने के लिए प्योर अफगान नोबिलिटी बनाने की कोशिश नहीं करी। इसकी जगह इन्होंने अपनी नोबिलिटी को मिक्स्ड एथनिसिटी का बनाया कि थोड़े से टर्क्स भी ले लिए, थोड़े से इंडियन मुस्लिम भी ले लिए, थोड़े से अफगान भी ले लिए, जिससे ये आपस में लड़ते रहें और पावर चेक में रहे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी नोबिलिटी के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को इस तरह से अरेंज किया है कि डायनेस्टी के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड रहें, और कोई भी नोबिलिटी की जो कोई भी नोबल जो है वो शेरशाह की गद्दी की तरफ नजर ना उठाए। नो ग्रुप शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू अज्यूम द शेप ऑफ अ प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पे प्योर अफगान नोबिलिटी नहीं है, लेकिन लोदीज में हमने देखा था कि वो प्योर अफगान नोबिलिटी को प्रेफर करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी जो है उन्होंने एक नया सिल्वर का कॉइन निकाला था जिसका नाम है रुपिया, जो कि 1835 तक सर्कुलेशन में रहने वाला है। इसके अलावा इन्होंने एक इन्होंने कॉपर की करेंसी भी निकाली थी, कॉपर का कॉइन था, और इसको हम कहते हैं दाम।
तो ये जो करेंसी है, एक सिल्वर कॉइन एक कॉपर कॉइन, दोनों के दोनों किसके अंडर निकले हैं, शेरशाह सूरी के अंडर इनको मिंट किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो सोन लैंड है, जिस लैंड के ऊपर खेती हो रही है, उसका मेजरमेंट जो है वो होना चाहिए, और उसके बेसिस पे या तो आप कैश में या काइंड में, दोनों में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने सबसे फेमस, जो हमारे दिल्ली की तरफ पड़ती है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है, उसको बनवाया था कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में तो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसको बहुत एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन शेरशाह सूरी के टाइम में हम देखते हैं कि ये जो सड़क आजम है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जा रहा है, ये बांग्लादेश में सोनार गांव से होते हुए एटक पाकिस्तान के थ्रू दिल्ली और आगरा के थ्रू होते हुए जाती थी। तो आप देख रहे हैं तीन कंट्रीज, एक तरफ ईस्ट में बांग्लादेश, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो पाकिस्तान, और बीच में पूरा दिल्ली आगरा, इतनी लंबी जो रोड है ये कवर कर रही थी सड़क आजम, दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड। डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो 1500 कोस जो है डिस्टेंस कवर किया था इन्होंने। यहाँ पे कोस स्टूडेंट्स क्या होता है, कोस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कोस एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, जैसे कि किलोमीटर और माइल होता है। एक कोस जो होता है स्टूडेंट्स, वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर्स के बराबर होता है, तो लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है एक कोस। तो आप देख सकते हैं लगभग 3000 किलोमीटर की रोड जो है वो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक सिटी बनवाई थी यमुना नदी के तट पे, जिसका नाम है पुराना किला। अब जो पुराना किला है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ खास नहीं बचा है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम है किला कोहना मस्जिद। तो ये शेरशाह सूरी से एसोसिएटेड है, पुराना किला में था, अब पुराना किला जो है वो रूइंस में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं आर्किटेक्चर के तहत ये जो है बहुत सारी सराई भी बनवाते थे। सराई क्या होती है स्टूडेंट्स, सराई एक फोर्टिफाइड लॉजिंग स्पेस होती है, जहां पे ट्रैवलर्स जो कि किसी मेन एरिया से या किसी बड़ी रोड से पास कर रहे हैं, वहां पर रुक के रेस्ट कर सकते हैं और अपने गुड्स को सेफ कस्टडी के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सराइज हैं, टेक्निकली अगर हम शॉर्ट में देखें तो इट इज अ रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, इट इज अ रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, जिसको हर 2 कोस के अंदर, यानी कि हर 4 किलोमीटर के अंदर हम देखते हैं, जो हमारी हाईवे टाइप की रोड्स होती थी उनके ऊपर बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की रेन की स्टूडेंट्स जो लॉ थी, लॉ और हम जो बात करें लॉ और जजेस, ठीक है, लॉ को जो डिस्पेंस किया जा रहा है, और जो जजमेंट वाली बात हो गई वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। शेरशाह सूरी बिल्कुल भी इस चीज में पार्शियलिटी नहीं करते थे। अगर किसी ने कोई चोरी चकारी करी है, कोई गलती करी है, तो वो अपनी नोबिलिटी को भी पनिश करते थे। तो लॉ को जो डिस्पेंस किया जाता था वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली किया जाता था शेरशाह सूरी की रेन में। और यहाँ पे स्टूडेंट, शेरशाह सूरी की रेन के लिए कहा जाता है कि अगर एक बूढ़ी औरत भरी रात में मेन रोड के ऊपर एक गठरी लेके, जिसमें सोना भरा हुआ है, अगर अकेली भी जा रही है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे टच भी कर सके, क्योंकि इतना ज्यादा लोग इनके लॉज से डरते थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे लॉज शेरशाह सूरी के एम्पायर के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सराइज के अंदर हमारे को न्यूज सर्विस, यानी कि डाक चौकी, एक तरह से पेपर्स हो गए कि भाई किस क्या चल रहा है एम्पायर के अंदर एक्सेट्रा, ये जो सर्विस है ये भी अवेलेबल कराई जाती थी सराइज में। इन सराय को स्टूडेंट्स कारवां सराय भी कहा जाता था, कारवां सराय भी कहा जाता था। कारवां सराय का मतलब क्या हो गया, जो ट्रैवलर्स हैं लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं महंगे सामान के साथ, उनको रेस्टिंग प्लेस दी जाती है और उनके सामान को ठीक से रखने की जगह दी जाती है, और इन सबको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी के टूम्ब की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस की बात करें, तो इनका टूम्ब जो है वो सासाराम बिहार में लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि सासाराम की जागीर इनके पिता से इनको इनहेरिटेंस में मिली थी, और यही इनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मुगल एम्पायर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बाबर की रेन देख ली। बाबर कब से कब तक है, 1526 से 1530 तक है। फिर हमने हुमायूं की फर्स्ट इनिंग देखी, फर्स्ट इनिंग में ये 1530 से 1540 तक रूल कर रहे हैं।
फिर पावर में आ जाते हैं शेरशाह सूरी और ये अपना सूर एम्पायर बनाते हैं जो कि 15 साल के लिए रूल करेगा, 1540 से 1555। फिर हम देखते हैं 1555 से 1556 में हुमायूं जो है अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करते हैं और फिर से हुमायूं सूर एम्पायर को खत्म करके अपनी मुगल एम्पायर को दोबारा पावर में ले आते हैं। 1556 में अब पावर में आएंगे अकबर और ये जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स अवर डिस्कशन ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर इज कंप्लीट। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स थरली। स्टूडेंट्स इफ यू एंजॉय स्टडिंग विद मी डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज कमिंग अप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो।